नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले मंत्री कवासी लखमा इस बार फिर बुरी तरह से घिर गए हैं। उनके बयान से जहां उनकी पार्टी की किरकिरी हो गई है, तो वहीं बीजेपी को हमला बोलने का एक और मौका मिल गया है। कवासी लखमा अपने बयान को लेकर उल्टा मीडिया को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दरअसल लखमा ने शिक्षक दिवस के मौके पर छात्रों से यह कहा था कि अगर बड़ा नेता बनना है तो कलेक्टर और एसपी का कॉलर पकड़ो। अब इस बयान को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। हमेशा अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले मंत्री कवासी लखमा एक बार फिर से घिर गए हैं। उनके बयान की चौतरफा आलोचना हो रही है। मंत्री लखमा छात्रों से कह रहे हैं कि अगर बड़ा नेता बनना है तो कलेक्टर और एसपी का कॉलर पकड़ो। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये कांग्रेस नेताओं की संस्कृति है। जी, यह छत्तीसगढ़ सरकार में सुकमा विधायक बनने के बाद मंत्री बनने वाले दिग्गज आदिवासी नेता कवासी लखमा। लखमा जी, भूपेश सरकार में आबकारी और उद्योग मंत्रालय संभालते हैं। बड़बोलेपन के शिकार मंत्री शिक्षक दिवस के एक कार्यक्रम में छात्रों को ऐसी शिक्षा दे गए कि हर तरफ उनकी अब किरकिरी हो रही है। मंत्री जी छात्रों से कह रहे हैं कि बड़ा नेता बनना है तो कलेक्टर एसपी का कॉलर पकड़ो। तुम इतना बड़ा नेता बने तो कैसे करके बने, बताओ। मैं तुमको, मेरे को क्या करना पड़ेगा बोलता है वो। मैं बोला कलेक्टर को या एसपी को कलर पकड़ो, सब नेता बनोगे उसे। मंत्री जी की बात से भावी पीढ़ी का भविष्य क्या होगा इससे समझा जा सकता है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी मंत्री जी कहां अपनी गलती मान रहे हैं, बल्कि अपने इस बयान के लिए मीडिया को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। ठीक उस कहावत की तरह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये वीडियो वाला हुआ है, इसमें तोड़ मोड़ करके बड़ा वायरल कर रहे हैं। अगर सत्ता पक्ष की ओर से ऐसी गलती होगी तो विपक्ष वाले हमलावर तो होंगे ही। भाजपा ने भी निशाना साधने में देर नहीं की। कवासी लखमा के बहाने सरकार और कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। भाजपा ने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस की यही संस्कृति है। अगर पकड़ने वाले का ध्यान देने वाले व्यक्ति का इस प्रदेश में कोई स्थान नहीं है, यह मैसेज भूपेश बघेल जी को कवासी लखमा को हटा कर देना चाहिए। अन्यथा यह प्रदेश की जनता यही समझेगी कि यह सरकार कालर पकड़ने का ध्यान देने वालों को प्रोत्साहित करने वाली सरकार है। इस दौर की सियासत में भावी पीढ़ी का क्या होगा, कोई न जाने। बच्चों, ऐसे नेताओं से जरा बच के ही रहना, क्योंकि नेता तुम ही हो कल के। सहयोगी हेमंत शर्मा के साथ वैभव शिव पांडे की रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। अब आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें जिसमें उन्होंने क्या कुछ बयान दिया था, और उसके बाद पलटने के बाद क्या कुछ बयान दिया उन्होंने, आपको दिखाते हैं। तुम इतना बड़ा नेता बने तो कैसे करके बने, बताओ। मैं तुमको, मेरे को क्या करना पड़ेगा बोलता है वो। मैं बोला कलेक्टर को या एसपी को कलर पकड़ो, सब नेता बनोगे उसे। ये वीडियो वायरल हुआ है, इसमें तोड़ मोड़ करके बड़ा वायरल कर रहे हैं। फिर वही बच्चा मेरे से सवाल करता है, नेता बनने से क्या करना पड़ता है। मैं किया पीने का पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए, गरीब का लड़ाई सड़क से लेके सदन तक, सदन से लेके सड़क तक लड़ेगा तो नेता बनेगा। और आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रायपुर स्टूडियो में संजय श्रीवास्तव, भाजपा प्रवक्ता हैं, किरणमयी नायक कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और रामोदा तिवारी जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता हैं। तीन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैम, आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये जो बयान दिया गया है इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। देखिए, बयान से इत्तेफाक वाली बात नहीं है। बयान जिस तरीके में और जिस परिप्रेक्ष्य में बात आई है, यदि आप देखेंगे तो कहीं कोई मंचीय कार्यक्रम नहीं है, ना ही वहाँ कोई उद्बोधन वाली बात है। वो बाद में कार्यक्रम के बाद में लोगों के बीच में बैठ करके एक सहज हास परिहास का माहौल वाली बात दिख रही है। ये हमको पहले मालूम जो था और जो आपके वीडियो में देख रहे हैं, परंतु जब मंत्री जी का जो स्टेटमेंट आ रहा है,
कि उसको तोड़ मरोड़ के किया गया है, तो निश्चित रूप से ऐसी कोई बात होगी, क्योंकि जो मंत्री जी हैं सबको मालूम है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है, और चार बार के वो विधायक हैं, अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और अपने क्विक रेस्पॉन्स की वजह से जो उनका एक कहा जाए कि जैसे देश में एक लालू प्रसाद यादव जी की एक छवि है लोगों के बीच में, अपने स्पॉन्टेनियस बात करने वाले नेता हैं, उस तरीके का इनका व्यवहार है और उस तरीके से के रूप में ये जाने भी जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस मामले को अनावश्यक तूल देने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी बातों को जब वो बच्चों के बीच में ही बैठ करके कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के मॉरल बूस्टअप के लिए बात करने का माहौल वहां पर दिख रहा है पहले, और जब मंत्री जी ने खुद कह दिया है कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ करके कहा गया है, तो अब वो जांच का विषय है। ठीक है करण भाई, लेकिन आपने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने ये बयान दिया, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया, चाहे वो हंसी के माहौल में दिया हो या फिर जो भी वातावरण उस वक्त रहा हो, आपने ये तो एक्सेप्ट किया, लेकिन आपने बोला कि स्पॉन्टेनियस का मतलब कुछ भी बोल देंगे। नहीं देखिए, मैंने स्पॉन्टेनियस जो उनके बयान का जैसे आप शुरू में सुनेंगे कि बच्चे लोग पूछ रहे थे कि क्या बनना चाहिए और कैसे बनना चाहिए, वहां की बात हो रही है, वहां पर जो पार्ट उनके बात पर जिस पर विवाद है उस पार्ट पर तो मंत्री जी का स्टेटमेंट आ गया है कि उसको तोड़ मरोड़ करके बनाया गया, वायरल किया गया है। पर हमने जो तस्वीरें आपको दिखाई किरण भाई जी, जिस तरीके से वो तस्वीरें थी उसमें से कुछ भी ना तो डॉक्टरेट था ना ही कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, जो उस वक्त उन्होंने कहा और जो उसके बाद कहा वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि माहौल जिस तरीके से था या वातावरण जिस तरीके से था, बच्चों के बीच एक जनप्रतिनिधि भी है वो, एक मंत्री भी है वो, और बच्चों के प्रति एक आदर्श बन के वो गए थे, और ऐसे में वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अगर एसपी या किसी डीएम का कॉलर पकड़ो या कुछ भी, भले ही वो मजाक में कहा गया हो या कुछ भी, जैसा भी उनका उद्देश्य हो, जिस वे में उन्होंने कहा हो, लेकिन इससे छवि और कहीं ना कहीं संदेश का जाता है। नहीं, यदि आप उसको इस तरीके से देखेंगे कि उसकी छवि बेब जाने वाली बात है, जिस वर्ग के बीच में वो बैठे हैं, आदिवासी वर्ग के बच्चे हैं और सुकमा के ग्रामीण अंचल में हैं, और वहाँ पे बच्चे और उनके बीच में वो जो उनकी सहज सुलभ चर्चा हो रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको किसी ने भी इस चीज को बहुत गंभीरता से लिया होगा। बिल्कुल, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से संजय जी ये बयान था, एक आईएएस ऑफिसर का कॉलर पकड़ने की यहाँ बात कही जा रही है, और पूरा कहने के बाद एसपी या फिर किसी भी कलेक्टर का कॉलर पकड़ लो, उसके बाद बड़े नेता, क्या वो अपना भी एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर रहे थे, या ऐसा कौन सा मजाक था, ऐसा कौन सा अंदाज था कि कुछ भी बोल दिया जाए बच्चों के बीच में वो भी, उसके बाद हंसी ठहाके लगाए जाए? देखिए, मंत्री जी का जो बयान है वो एक निंदनीय बयान है, वो एक माफी योग्य बयान नहीं है, और जिस तरीके से असंसदीय भाषा का प्रयोग एक मंत्री के द्वारा, मंत्री कितना पढ़ा है कितना लिखा है एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन आज वो प्रशासन के एक मुखिया के तौर पर, प्रशासन के एक मुख्य तंत्र के रूप में वो सभी कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, इसलिए इसको गैर जिम्मेदारना और माफी योग्य ये बयान उनका नहीं है। दूसरा विषय यह है कि जिस तरीके से सफाई तो कांग्रेस के नेता देंगे वो एक अलग विषय हो सकता है, गलतियां होती है, इस बात को भी बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन उन चीजों को हम, उस गलती को किस तरीके से स्वीकार करें या उसको हम किनारे करें, ये विषय भी सामने आता है। लेकिन आज जिस तरीके से आपके चैनल में बैठकर जब मैं इसको देख रहा हूं, तो मुझे यह लगा कि असंसदीय भाषा का प्रयोग तो करते भी हैं और साथ में मंत्री जी झूठ भी बोलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सफाई आई, होता है, उनको स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैंने एक मजाक के लहजे में कहा था, मेरा आशय नहीं था, लेकिन जिस तरीके से मीडिया पर आरोप मढ़कर, लोगों पर आरोप मढ़कर जिस तरीके से ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि वो वहां पर इस तरह की भाषाओं का प्रयोग तो करते ही हैं, लेकिन साथ में वो झूठ बोलने का भी काम करते हैं, और मुझे लगता है ये कांग्रेस की हमेशा से संस्कृति रही, अनेक नेताओं ने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। दूसरा विषय जो कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि एक सामान्य कार्यक्रम, मुझे लगता है कि बच्चों के बीच में और शिक्षा विभाग के कार्यक्रम से बड़ा शायद कोई कार्यक्रम, जहां तक संस्कार की बात है, जहां मैसेज देने की बात है, इससे बड़ा कार्यक्रम शायद नहीं हो सकता। वो बच्चे अपने मन की भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं,
उनको भी एक इच्छा रहती है, आंतरिक इच्छा शक्ति रहती है कि लोग मंत्री बनते हैं, बड़े नेता बनते हैं, काम करते हैं, एक आंतरिक इच्छा होती है कि आखिर हम इस जगह पर कैसे पहुंचे। तो इस संदर्भ में इस तरह की बातें आना कि कलेक्टर या एसपी का कॉलर पकड़ो, मुझे लगता है कि गैर जिम्मेदाराना बयान है और इसके लिए इनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की आवश्यकता है। और कांग्रेस जो पार्टी है, यदि थोड़ा भी संसदीय भाषाओं पर विश्वास रखती है, मान मर्यादा और इस प्रणाली पर विश्वास रखती है, तो कहीं ना कहीं इनको नोटिस देना चाहिए और इनके खिलाफ में कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल रावत, तरीके से जो ये पूरा आपने देखा कि मामला और दोनों ही पक्षों का आपने सुन लिया कि क्या किस पक्ष ने कहा है, क्या इस तरह से कल को कोई बच्चा अगर इस तरीके की हरकत भी कर लेता है और फिर उससे पूछा जाए कि आपने क्यों किया, तो वो बोलेंगे हंसी मजाक में मंत्री जी ने हमसे कहा था कि अगर कोई काम ना हो या बड़ा नेता बनना हो तो इस तरीके की हरकत करना। देखिए यहाँ पर जो विडंबनापूर्ण बात यह है कि ये सब चीज जो है वो स्कूल में बच्चों के सामने कही गई है और हम जो बच्चों को क्या संदेश दे रहे हैं, जो शासन और प्रशासन चलाने में बहुत मददगार होते हैं नौकरशाह, बिल्कुल उनके खिलाफ अमर्यादित बातें कहना एक तो, और जगह भी गलत है और कारण भी गलत है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो हमारे समाज में अहिंसा को, अमर्यादित बाता को, समाज धर्म ये सभी जगह नकारा जाता है और इसको कोई अच्छा नहीं माना जाता। तो इस लिहाज से क्योंकि समाज का नेतृत्व नेता करते हैं लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र में अपनी भाषा को नेता अगर संयमित रखें तो ये सवाल नहीं उठेंगे। दूसरी तरफ देखें तो लखमा जी पिछले दिनों बस्तर के एसपी थे जितेंद्र शुक्ला जी, उनको उनके साथ इनका विवाद हुआ था और एकमात्र सिपाही के तबादले को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए, परिस्थितियों को नहीं समझते हुए विवाद हुआ था और विवाद के बाद वो एसपी का तबादला रातों रात एक सिपाही के कारण करा दिए थे। तो कहीं न कहीं उनके चरित्र में भी ये फूट दिखता है, ऐसा लगता है। दूसरी तरफ अब वो जो खंडन कर रहे हैं तो एक राजनीतिक दल के नेता के नाम में समाज में गलत संदेश जा रहा है, इसलिए भी वो खंडन कर रहे होंगे। परंतु क्योंकि लखमा जी बस्तर के समय सबसे आदिवासी बड़े नेता माने जाते हैं और अशिक्षित नहीं पढ़ने के बावजूद भी कई पढ़े लिखे लोगों को लोग जो है उनको चुनौती देते हैं, उनसे बेहतर काम करके दिखाते हैं, तो समाज में भी इस मुद्दे को लेकर वो दोबारा ऐसी स्थितियां ना आए और समाज में एक अच्छा संदेश जाए, इन चीजों को सोचते हुए अगर व्यवहार आगामी करेंगे तो उनकी छवि के लिए भी ठीक रहेगा और समाज में भी अच्छा संदेश जाएगा इससे। बिल्कुल अखंड में जी, अगर इस जगह आप होती, लाइक आप कोई आईपीएस अधिकारी होती या आईएएस अधिकारी होती और उसके बाद ये बयान आपके सामने हो रहा होता कि कॉलर पकड़ो किसी भी कलेक्टर और एसपी का, आप पर क्या गुजरती? एक कलेक्टर है, एसपी का औहदा ऐसे ही नहीं मिल जाता। मैं आईपीएस होती और बिल्कुल सही बात है कि यदि आपने मुझसे कहा कि कलेक्टर होती या एसपी होती और मेरे सामने ये वक्तव्य होता तो मैं उस चीज का रिएक्शन करती और वहां पे उनसे सामने ही बात करती कि आपको ये नहीं बोलना चाहिए था। अब आप ये सोचिए कि जो है इस बात को नहीं कहना चाहिए था, प्रशासनिक अमला है। बिल्कुल, चलिए आपने स्वीकार किया है कि उन्हें नहीं करना चाहिए और कमाल की बात है कि आप इस मुद्दे पर आए, ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि इसे फेस करना भी बहुत मुश्किल था। क्योंकि किरणमय जी जिस तरीके से देखा जाए, उन्होंने जैसे कि बताया कि वक्त भी ठीक नहीं था और उद्देश्य भी ठीक नहीं था और आपने स्वीकार किया है कि हाँ उन्होंने जो बोला वो गलत बोला, लेकिन उन्हें माफी भी मैं इस पर मांगनी चाहिए, इससे आप कितना सहमत है? क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बताया कि टूर मंडूर के उसे पेश किया जा रहा है या फिर मीडिया के द्वारा उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, तो अगर वो इस पर सीधे माफी मांगती तो शायद इतना बवाल ना होता या अपनी जो उस वक्त स्थिति थी जो आप रख रही हैं कि वहां पर जो माहौल था वो थोड़ा हास्यास्पद था इसलिए वो बात मैंने कह दी, लेकिन मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं था। अगर वो ऐसा बात रखते तो शायद इतना बवाल क्रिएट ना होता। नहीं, अब देखिए एक्चुअल तो जो बोला उन्होंने वही ज्यादा स्पेसिफिक बता पाएंगे क्योंकि ये एक वीडियो से वायरल हुआ है। किसने वीडियो लिया और किसने उसको वायरल किया है और इस चीज को वो मंत्री जी ज्यादा बेहतर जानेंगे। आपने मुझसे सवाल किया कि आप यदि कलेक्टर और एसपी होते और आपके सामने ये वाकया हुआ होता तो बट नेचुरल है कि मेरा रिएक्शन यही होता। परंतु अब उन्होंने यदि ये नहीं कहा है और उन्होंने अपना एक वक्तव्य दिया है
तो अब एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि वास्तव में वहां पर क्या हुआ था और इस पर और कोई किसी का स्टेटमेंट आया या नहीं आया, वहां पर उपस्थित लोगों ने क्या कहा, या तो इसके ऊपर एक जांच हो, नहीं हुआ। अभी केवल हम एक वायरल वीडियो के आधार पर ये डिबेट में भाग ले रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं चूंकि पेशे से वकील भी हूँ और इन सब चीजों में हम कभी भी किसी मामले में जब इन्वेस्टिगेशन होता है या कोर्ट में आते हैं तो हम वहां पर लोगों के पहला काम होता है कि वो किस परिस्थिति में दिया गया, उसमें मंशा क्या थी और भाव क्या था, आशय क्या था। तो यहाँ पर यदि हम वीडियो के उस पार्ट को जो तथाकथित बयान दिया गया उसके पहले के यदि पार्ट को देखेंगे तो उसमें कहीं पर भी उनकी बॉडी लैंग्वेज और उससे ऐसी कोई मंशा नहीं झलक रही है कि किसी कलेक्टर या एसपी को डिफेम करने या उनको पिटवाने का कोई उनकी मंशा है, क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल वे में कह रहे हैं कि बच्चे ने मुझसे बात किया कि क्या करना है, कैसा बनना है, आपके जैसा बनना है। तो वो एक नेचुरल फ्लुएंसी में कही गई बात है। अब रह जाता है कि जो डिस्प्यूटेड पार्ट है कि भाई कलेक्टर और एसपी को मारा, तो मेरा ये कहना है कि यदि हम उस पार्ट के पहले के जो उनके बॉडी लैंग्वेज और उनके वीडियो को देखते हैं तो ये चीज तय है कि वहां पर कोई मंची कार्यक्रम में वो भाषण नहीं दे रहे थे, भाषण में उन्होंने वक्तव्य नहीं दिया, बाद में जो कार्यक्रम खत्म होने के बाद में लोगों के बीच बैठ करके एक सहज सरल चर्चा होती है, उस तरह की बात है। कई बार बीजेपी के नेताओं ने कई बयान दिए तब कभी उनकी बॉडी लैंग्वेज और परिस्थिति को नहीं देखा गया। अगर आप परिस्थिति भाव या स्थिति की बात कर रही हैं तो तीनों परिस्थितियों को भी ले लिया जाए तब भी ये बयान गलत है। ये बयान तो किसी भी हालत में देना ही नहीं था। आपका ये आप चाहे बच्चों को संबोधित कर रहे हो, बच्चों के बीच बैठे हो या कहीं पर भी बैठे हो, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बच्चों के बीच बैठ करके इस तरीके का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। हम अपने जिम्मेदार आईएएस आईपीएस के अधिकारियों का सम्मान करते हैं और उनके किसी भी तरीके से उनका अपमान करने की मंशा कभी भी कांग्रेस की नहीं रही है और उनके साथ कभी भी इस तरीके की कोई हरकत करने की किसी की मंशा नहीं है। किरण जी, लेकिन अभी राहुल गांधी ने एक वाक्य बताया, यहाँ पर ये जो डिस्प्यूटेड पार्ट है जो वाक्य बताया उनसे संबंधित ही, तो क्या वो इसी ऐसी छवि से जाने जाते हैं, वो क्या है उन पर सत्ता का इस तरह नशा चूर है, ये कहा जा सकता है क्या? वो कहीं ना कहीं उनकी जुबान से भी फिसल रहा है। नहीं देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो मंत्री जी हैं उनके साथ उनकी सारी अच्छी खूबियों में एक जो माइनस करता है उनकी खूबी को वो ये है कि वो निरक्षर हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं। चीज को अपने अनुभव के आधार पर बाकी चीजों का यदि विधानसभा में वो डिबेट में बात करते हैं तो वो पढ़ करके नहीं बोल सकते हैं, वो अपना भाषण पढ़ करके नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए वो चीजों को जो उनके अनुभव से उन्होंने सीखा है, चार बार के वो विधायक हैं, तो उनके आधार पर ही बात करते हैं। तो एक शिक्षित व्यक्ति के मैं वही कह रही हूँ कि एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, शिक्षित होता है, उसकी बात करने का वे ऑफ टॉकिंग डिफरेंट होता है और जहाँ पर आपके साथ एक अशिक्षा का पार्ट है तो वहाँ पर आपका बात करने का वे ऑफ टॉकिंग डिफरेंट होता है, तो हमारी सोच में भी बहुत फर्क पड़ता है पढ़े लिखे होने और शिक्षित होने से। तो मुझे लगता है कि यही एक वजह हो सकती है इस तरीके के वक्तव्य की। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ देखा जाए उन्होंने कहा अनुभव, संजय जी थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि अनुभव, रामोतार जी ने किस्सा जो बताया वो भी उनके अनुभव से जुड़ा हुआ था और शायद वो ये बता भी रहे थे, शायद कहीं ना कहीं उनके अनुभव से शायद ये प्रेरित भी लग रहा है। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए, मैम करण भाई का कहना है कि जिस तरीके से वो अशिक्षित हैं, शिक्षा नहीं उन्होंने ली है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो वहाँ बच्चे तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए बैठे हुए थे, अगर अशिक्षित हैं फिर भी इतने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपनी बात दमदारी से उठाते हैं, हर चीज दमदारी के साथ वो करते हैं, और फिर इस बयान के लिए अगर ये कहा जाए कि वो अशिक्षित हैं इसलिए उन्हें भाषा शैली का ज्ञान नहीं है, तो क्या इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा कुछ बोला क्या? क्या किसी खुद के मंत्री के बारे में इस तरीके का कोई बयान दिया क्या? अगर इस तरीके का दिया हो तो क्या माना जा सकता है तो अशिक्षित हैं, का जो भाषा शैली है वो उनका ज्ञान नहीं है उन्हें? जी देखिए, निश्चित रूप से आपने बात सही कहा और हम तो बीजेपी के पार्टी की तरफ से यही उम्मीद करेंगे कि वो अपने मुख्यमंत्री या प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ में कभी इस तरह की बातें गलती से भी नहीं करें, ये हमारा मत है। लेकिन जिस तरीके की दलील यहां पर दी जा रही है,
कि किन परिस्थितियों में क्यों हुआ, कोई कार्यक्रम में नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये सामान्य एक डिबेट नहीं होकर एक वास्तव में हम ऐसा लग रहा है कि कोर्ट या बारों में कहीं पर खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सामान्य रूप से मैंने पहले ही कहा कि गलतियां हो जाती है, उसको कैसे हम समाप्त करें। यदि गलती है तो उसको छुपाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। हम कोई कोर्ट के कचहरी तो नहीं बैठे हैं। स्वीकार करना चाहिए मंत्री जी को कि हाँ, मेरी गलती इस तरह की हो गई है और बात वहां पर समाप्त हो जाती। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में नहीं जाकर फिर से एक बार झूठ बोलने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है और यहां तक कि मीडिया पर आरोप लगाकर कि वीडियो को गलत तरीके से वायरल किया जा रहा है, ये और बड़ा झूठ है। दूसरा विषय, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेताओं और आज की डिबेट में जिस तरीके से तीन चार बार कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि वो निरक्षर है, वो अशिक्षित है, उनको इस तरह के शब्दों से संबोधित नहीं करें। शायद मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की घटनाएं ये वाली हुई हैं या पहले जो पुलिस वाली बताया रावत और तिवारी जी ने, कहीं उनके मन के अंदर में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स कहीं घर तो नहीं कर गया है। शायद इस दिशा में भी हमको कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता पड़ेगी कि मैं भले निरक्षर हो, चार बार का विधायक हो, तो मैं कैसे डोमिनेट करूं पुलिस को, प्रशासन को, कलेक्टर को, तमाम प्रकार के अधिकारियों को। ये चीजें कहीं उनके मन में उत्पन्न तो नहीं हो गई हैं और इसी का कहीं प्रकटीकरण तो समय समय पर नहीं होता है। ये सब चीज भी कहीं ना कहीं गौर करने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि कार्यक्रम नहीं, ये तो और भी गंभीर विषय था कि बच्चों के बीच में बैठकर जब ये सवाल जवाब आ रहे हैं, बच्चा अंदर से उसकी इच्छा है, वो पूछ रहा है कि कैसे बनना है और उस समय इस तरह का जवाब आ रहा है, तो ये तो और बड़ा गंभीर मामला है कि आप उनको ये बता रहे हैं कि कॉलर पकड़िए और ये पकड़िए, आप कलेक्टर एसपी के कॉलर पकड़िए। मुझे लगता है ये तो और ज्यादा गंभीर मामला, जब व्यक्तिगत रूप से बातचीत हो रही है, सबके साथ में बैठकर बातचीत हो रही है। तो मुझे लगता है विषय को हम कोई बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन यदि कहीं गलतियां होती है तो उसको स्वीकार करने की आदत भी कांग्रेस के नेताओं में होना चाहिए। आज जांच की बात हो रही है, कर लीजिए, एसआईटी गठित कर लीजिए, एक और एसआईटी गठित कर लीजिए, आपका काम जांच करना ही है। अरे, इसमें तो एक स्टैंड जाना चाहिए, चाहे वो बीजेपी के नेताओं से गलती हो या कांग्रेस के नेताओं से या किसी भी अन्य नेताओं से, एक स्टैंड जाना चाहिए, सीधे प्रदेश अध्यक्ष आभार होना चाहिए कि इस बारे में आप अपनी सफाई कर दें कि हाँ भाई, गलती हो गई, खत्म, विषय खत्म हो गया। हम भी मानते हैं कि उनकी मंशा हमेशा इस तरह की नहीं कि वो किसी को इस तरह की बातें करे, लेकिन यदि आज सार्वजनिक रूप से ये चर्चा का विषय बना है, लोगों की आपत्तियां आ रही हैं, तो निश्चित रूप से मंत्री जी को माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल रामतवार जी, जिस तरीके से देखा कि कहीं ना कहीं संजय जी किरण भाई जी पे ही थोड़ा सा बरस पड़े, क्योंकि एक प्रवक्ता होने के नाते बार बार उन्होंने कोर्ट कचहरी नहीं, नहीं, बरसा नहीं हो। लेकिन जिस तरीके से देखा जब वो भी डिफाइन कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया इस चीज को, तो उन्होंने बोला है वो गलत है, लेकिन बाद में हालांकि जो भी वो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता भी, तो थोड़ा डिफाइन तो करेंगी वो, जो वो कर भी रही है। तो रामतवार जी, अगर कंक्लूजन निकाला जाए, जाहिर सी बात है बयान है दिया है, प्रूफ है, सबूत है उसके, और अब जिस तरीके से सब लोगों को तक ये बात पहुंच भी रही है, तो जाहिर है कि इसमें अगर माफी मांगी जाए तो शायद सरकार की और उनकी किरकिरी होने से थोड़ा बच जाए, या फिर ये मामला शांत भी हो सकता है, इतना बड़ा मामला नहीं है ये। देखिए, चतुर्मास चल रहा है, तो मंत्री जी को इस समय अगर माफी मांग भी लेते हैं तो अच्छा समय है और उनके लिए फायदेमंद है। मैं छा में दुखड़ा हूं। दूसरी बात ये कहूंगा कि वो एक आदिवासी नेता है, आदिवासियों में एक अच्छे नेता है, जो वहां पर जन समस्याओं को लेकर लड़ते हैं, उनकी सोच अच्छी है। हो सकता है कि सत्ता के मद में भाषाएं थोड़ी बदल रही होंगी, तो ऐसे अभी समय है, बहुत है, तो ऐसी स्थिति में इसको सुधारने का उनके पास एक अवसर है, उस अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए। और नेताओं को, क्योंकि हमारे समाज में नेताओं के जो हमारे आदर्श माने जाते हैं, उस आदिवासी इलाकों में, आदिवासी नेताओं में और हमारे छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े इलाके में एक ऐसा आदमी मंत्री बना है और महत्वपूर्ण विभाग में मंत्री बना है, जो बाकी लोगों के लिए भी एक आदर्श है कि जो पढ़ नहीं पाए या पढ़ने की लड़ाई में है, जो सब चीज समझते हैं, उनके अंदर सेंस बहुत है परंतु वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, उन सबके लिए कवासी लखमा जी एक आदर्श होते हैं कि हम भी एक जब कवासी लखमा जी बन सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते थे कि राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह बन गए थे उस समय, जो वो भी इस तरह से निरक्षर थे ऐसा माना जाता था, तो बन गए थे, तो लोग बोलते थे कि अगर आप, आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर क्षमता है, तो आप ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह कवासी लखमा जी वैसे हैं उस लायक, अब उनसे गाहे बगाहे और ऐसी बातें हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो छवि है इस तरह बनी है उनके लिए नुकसानदायक है और समाज के भी गलत संदेश जा रहा है। तो इसको उनको अपने आप में इसको आगे आकर बोलना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से, जैसे आपने कहा कि उन्होंने अशिक्षित होते हुए भी
एक ऐसे प्लेटफॉर्म एक ऐसे मुकाम पर आए हैं जब लोगों की जनता की सेवा कर रहे हैं, तो जाहिर है उन्होंने वो बंदियां तोड़ दी हैं कि अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश, फिर भी ऐसा नहीं कि आप पीछे रह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ पर, जो उनके लिए वाकई आदर्श हैं वो, और बच्चे भी यहाँ पर खुश हो रहे हैं, हालांकि वो मजाकिया अंदाज में उन्होंने वो वक्तव्य दिया, लेकिन जिस तरीके से वो वक्तव्य की जगह गलत थी, सिचुएशन गलत थी, तो फंस गए वो थोड़ा सा इसमें। लेकिन जिस तरीके से अगर समय रहते वो माफी मांग लेते हैं तो शायद ये मामला इतना बड़ा नहीं है कि उनकी छवि पर ज्यादा कोई असर पड़े या फिर सरकार की ज्यादा खिचड़ी हो। लेकिन विपक्ष को एक मौका चाहिए, तो उन्हें वो मौका मिल गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी आपका भी, रामसार जी आपका भी, और संजय जी आपका भी। हमारे इस खास कोशिश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।